हाय फ्रेंड्स, आई एम बाल मुकुंद पंड्या। आज आपके लिए लेके आए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और रिलेटेड विद द मॉनसून। अपार्टमेंट, फ्लैट या रो हाउस या तो बंगला, कोई भी जगह पे वाटर लीकेज या तो सीपेज वो आम समस्या है। लेकिन कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है, कोई जगह पे कॉल आया है और मुझे क्वेश्चन पूछे हैं कि सर ये लीकेज का प्रॉब्लम बहुत है और ये लीकेजेस क्यों होते हैं, कहाँ कैसे उसको रिजॉल्व किया जाए और क्या करें तो हमारे फ्लैट में लीकेजेस ना हो। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनसून रिलेटेड है, तो ध्यान रखिए कि ऐसे टॉपिक बहुत कम मिलते हैं अपने को और उसकी रेमेडी बहुत कम मिलती है। तो आज हम टॉपिक ये डिस्कशन करेंगे कि वाटर लीकेजेस कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे टॉपिक और आपको कोई चाहिए तो प्लीज़ मैसेज मी, आई विल ट्राई टू मेक इट। तो लीजिए शुरू करते हैं लीकेजेस। वाटर लीकेजेस कहाँ होते हैं? आप अपार्टमेंट में रहते हैं या तो फ्लैट में रहते हैं, या तो आपका कोई इंडिविजुअली रो हाउस है, या तो आप कोई बंगले में रहते हैं, तो लीकेजेस जहाँ पे वाटर का यूटिलाइज महत्तम होता है वहाँ पे लीकेजेस नीचे की साइड होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, किचन एरिया, वहाँ पे वाटर यूटिलाइज होता है तो हमारे नीचे वाले फ्लैट में या तो अपार्टमेंट में वो एरिया के नीचे लीकेज होने की संभावना है। सेम वे वरंडा, जहाँ पे हम बर्तन या तो कोई भी चीज़ यूटिलाइज करते हैं पानी का, तो वहाँ पे नीचे जो रहता है उसको लीकेजेस होती है। तीसरा एरिया है ऑल बाथरूम्स। बाथरूम्स में पानी जहाँ पे यूटिलाइज करते हैं वहाँ पे हमारे नीचे वाले अपार्टमेंट में लीकेजेस होने की संभावना है। दूसरा, हमारे मेन गैलरी है या तो बालकनी है, तो बालकनी हमारे नीचे वाले अपार्टमेंट को बंद होती है। मैं इसलिए दोहराता हूँ कि अगर हमारी वजह से नीचे वाले अपार्टमेंट में हो सकती है तो हमारे ऊपर वाले अपार्टमेंट रहने वाले को हमको ये प्रॉब्लम होती है, और टॉप फ्लोर में रहने वाले को जो कॉमन टेरेस है उससे टेरेस से होने वाली लीकेजेस होती है, क्योंकि उनकी सबसे टॉप फ्लोर वाले को कोई ऊपर के बाथरूम या तो किचन एरिया या तो वरंडा या तो बालकनी नहीं रहती है। तो जनरल हम सबको ये अंदाजा है कि लीकेजेस कहाँ कहाँ होती है, हमने डिस्कस कर दिया। अभी लीकेजेस क्यों होती है? लीकेजेस होने की एक ही संभावना है कि पानी का स्टोरेज हो जाना। जहाँ जहाँ पे यूटिलाइज हमने डिस्कशन किया वहाँ पे पानी का स्टोरेज होता है, वहाँ पे प्रॉपर स्लोप नहीं होता है और पानी का मीन्स नहीं जाने की जाता नहीं है, स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे वो पानी दीवाल में उतर के नीचे लीकेजेस चालू कर देता है। और अगर वो दीवाल में या तो वहाँ पे प्रॉपर उसको वाटरप्रूफिंग नहीं किया है, या तो फिर हम बाथरूम में जो अंदर की साइड कॉर्नर रहता है, या तो मीन्स अपने जो कि बालकनी किचन की बालकनी है वहाँ पे अगर जो बॉर्डर है वहाँ पे अगर हम वाटास या वो नहीं करते हैं तो उसकी वजह से लीकेज होने की 100% संभावना है। तो वो एरिया को सबसे पहले आप प्रॉपरली उसको पुट्टी या तो सीमेंट या उसकी प्रॉपर वाटरप्रूफिंग सीमेंट से उसको प्रॉपरली सील कीजिए, जिसकी वजह से नीचे वाले आपके अपार्टमेंट में रहने वाले को लीकेजेस ना हो। हर जगह पे लीकेजेस होने की एक ही संभावना है, पानी का ठहरना, पानी का भर जाना। पानी नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं जगह बना लेगा और लीकेजेस होके आएगा। सेम वे ऊपर टेरेस, कॉमन टेरेस में प्रॉपर स्लोप नहीं होगा, उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी तो वहाँ स्टोर हो जाएगा, क्रैक होगी, वहाँ से वो पानी निकल के अपने छत पे लीकेज आ जाएगा। उसके लिए प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करने के पहले लेवलिंग करना बहुत ही जरूरी है। लेवलिंग आपने कर दिया, उसके चारों बॉर्डर ने प्रॉपरली आपने सीमेंट से स्लोप कर दिया, उसके बाद आपको वाटर प्रूफिंग सीमेंट से उसको सील कर देना है। कोई जगह पे चाइना मोजाइक लगाते हैं, चाइना मोजाइक लगा के आप प्रॉपरली अगर आपने स्लोप कर दिया तो लीकेज होने की संभावना नील हो जाती है। जब भी वाटर प्रूफिंग करवाए प्रॉपरली उसको सुखाने के लिए रख दिया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि हम जब इमरजेंसी केस में ही वाटर लीकेज या तो वाटर प्रूफिंग या तो
डॉक्टर फिक्स इट लगा देते हैं, लेकिन वो उसी टाइम लगाते हैं और उसके थोड़ी टाइम के बारिश आ जाती है तो उसका इफेक्टिवनेस नहीं रहता है। तो उसको प्रॉपर जब आप वाटर प्रूफिंग करवाएं या तो पुट्टी लगवाएं या तो कुछ भी, तो उसको जो जरूरी टाइम है वो जरूरी टाइम सूखने के लिए मिलना चाहिए। दोस्तों ये सारा लीकेजेस हमारी वजह से नीचे वाले को होता है और हमारे ऊपर वाले की वजह में से हमको होता है। तो अगर हम सब लोग ये रेमेडी करेंगे तो हमारे नीचे किसी को अपार्टमेंट्स लीकेज होने की संभावना नहीं होगी, हम भी सेफ रहेंगे, हमारा अपार्टमेंट सेफ रहेगा और जो अपार्टमेंट की हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि लीकेजेस नहीं है। लीकेजेस होने से क्या होता है कि अगर हमारा प्लम्बिंग सही नहीं है तो भी लीकेजेस होने की संभावना है। सपोज सारी चीज ओके है हमारी जो हमने डिस्कस कर दिया, लेकिन प्लम्बिंग काम प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं पाइप फट जाएगी तो पानी का लीकेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉपर पाइप का फिटिंग नहीं है या तो फिर मिस टॉयलेट या उसमें कमोड बराबर नहीं लगे हो तो धीरे धीरे करके लीकेज बढ़ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि फ्लैट या अपार्टमेंट कहीं पे भी जो प्रॉपर प्लम्बिंग काम किया है उसको सही तरीके से चेक कीजिए, अगर नहीं है तो प्रॉपरली करवा दीजिए वन टाइम, इसकी वजह से आपका लीकेजेस नहीं होगा। चौथा और लास्ट, जहाँ पे आपको सोल मीन्स वाटर हीटर लगाते हैं, जहाँ जहाँ पे आप आरओ सिस्टम लगाते हैं, जहाँ पे आप शॉर्पनर लगाते हैं, वो सारा एरिया भी ऐसा है कि जहाँ से पानी आने की लीकेज होने की संभावना है, तो उसको जब पाइपिंग करते हैं तो प्रॉपर टेक्नीशियन से उसको इंस्टॉलेशन करवाइए जिस वजह से आपका लीकेजेस ना हो। होप कि आपको ये सारा वीडियो और सारी जानकारी आपको पहली बार मिली होगी, क्योंकि YouTube वीडियो में ऐसी हर एक जगह पे लीकेज या कहाँ से होती है उसकी रेमेडी क्या है मैंने नहीं देखी है। तो दोस्तों ये चीज़ आप एक वीडियो सारे दोस्तों फ्रेंड सर्कल सबको आपको रिलेटिव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और होप को आपको पसंद आया होगा। अगर लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ और बी लीकेज प्रूफ। थैंक यू वेरी मच।